कॉर्नर पे आके मैंने एकदम ध्यान दिया और चढ़ा लिया, नहीं तो यहाँ पे जाके फंस जाती। ये बहुत ये वाला हमारा टायर ऊंचा है, ये वाला नीचे है, पर इधर से सस्पेंशन आर्टिकुलेट हुआ हुआ है हमारा, क्योंकि शॉकर खुला हुआ है। ऐसे ही इधर हमारा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मींस ये दबा हुआ होगा और वो दबा हुआ होगा उस साइड का, मतलब ड्राइवर साइड का दबा हुआ है बेसिकली, और उधर का भी डाउन होगा। इधर का खुला हुआ है ड्राइवर का पैसेंजर टाइप बैक साइड का, और उधर का खुला हुआ होगा। आइए देखते हैं, ये देखिए ऐसे चलते हैं हम। ये हमारा खुला हुआ है शॉकर, मतलब यहाँ से सस्पेंशन वर्क करता है। ये बिल्कुल डाउन है, एज आई टोल्ड यू, ये बिल्कुल डाउन है हमारा, बिल्कुल दबा हुआ है। ऐसे ही ये वाला हमारा बिल्कुल खुला हुआ है, शॉकर और स्प्रिंग पूरा वर्क कर रहा है इसमें सस्पेंशन, क्योंकि डायगनली ऐसे वर्क करेगा। वो भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, वो बंद है, ये भी बंद है, भले ये ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखिए बेसिकली, अब मैं आपको दिखाता हूँ सस्पेंशन की वर्किंग। ये देखिए, ये हमारा हो गया स्टेयरिंग का, स्टेयरिंग रॉड इधर से आ रही है, ये इसका स्टेबलाइजर बाहर हो गया। ये फाइव लिंक सस्पेंशन है, ये फाइव लिंक सस्पेंशन है, फाइव लिंक सस्पेंशन है, पर फोर बार लिंक सस्पेंशन इसे कहा जाता है, क्योंकि दीज आर द स्टेबलाइजिंग रॉड नॉट द लिंक्स। तो एक इसमें ये हो गई, येलो वाला हो गया, दो येलो वाले हो गए फ्रंट में और दो लोअर वाले हो गए। ये देखिए दिख रहा है आपको, येलो आर द अपर लिंक्स, और पीछे जिस पे शॉकर लगा हुआ है दीज आर द लोअर लिंक्स, और बाकी तो सब चीज़ सिंपल है। ये देखिए, और मज़ा बहुत आ रहा है आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद रेड हल के साथ ऑफ रोड करने का टाइम मिला है। वैसे तो ब्लैक पैंथर ही चल रही थी, ब्लैक पैंथर के एक्चुअली मॉडिफिकेशंस में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये तो रेडीली डन है, ये तो रेडी फॉर एक्शन है, तो इसके साथ कुछ सोचना नहीं पड़ता, जस्ट गो स्टार्ट एंड गो। और इसमें एजेड इंजन है, एजेड प्लस स्कॉर्पियो का, मेटेड विद एजेड प्लस मेटेड विद V8N 5 स्पीड टी, देन T18 के साथ 4 व्हील, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जब तक चल रहा है। पर इसमें और बढ़िया अगर वर्क करता, हाई स्पीड के लिए हमें चाहिए नहीं, हमें लो स्पीड क्रॉलिंग ही चाहिए। हाई स्पीड के लिए अगर चाहिए हो तो फिर तो हाई स्पीड्स गियर बॉक्सेस या ट्रांसमिशंस चाहिए होंगे। पर ये बहुत अच्छा है क्योंकि रगड़ है, इसे मैंने पानी में बहुत चलाया है और बहुत ट्रैक्शन में कवर करा है, बहुत बढ़िया है, फुल प्रूफ
लो मेंटेनेंस व्हीकल है। अभी इसका थोड़ा बहुत शाफ्ट वगैरह में बैरिंग्स वगैरह कटे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से फोर व्हील का बैरिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। कभी अभी टाइम मिलता है तो इसको भी करवाते हैं सही। सो, आज का यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी। अभी अभी हमारी रेड हल्क बहुत बहुत बच गई। ये एक यहाँ पे डिश था, ये गहरा गड्ढा था, ये बेसिकली ट्रैक्टर्स वालों ने बचाया होगा। तो ये यहाँ तक आई, ये कॉर्नर पे आई, कॉर्नर पे आके मैंने एकदम ध्यान दिया और चढ़ा लिया, नहीं तो यहाँ पे जाके फंस जाती। ये बहुत गहरा गड्ढा है, करीब 5 फिट या 3 फिट गहरा गड्ढा है। 3 फिट होगा, 5 तो बहुत ज़्यादा होता है, 3 फिट तो मिनिमम होगा। सो ऑफ रोड पे ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी लोकेशन बहुत अच्छी है और हाँ, ये चलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड सपोर्ट विद योर लव एंड केयर। बाय बाय, सी यू, बाय।